गाइस, वेलकम टू टुडेज, जहां हम कराते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। मैं हूं सपना और आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की कुछ ऐसी फिल्मों के बारे में जो कि ब्लॉकबस्टर रहीं और ऐसा लगता है कि जैसे वैसी फिल्में दोबारा बनाना मुमकिन नहीं है। तो आइए बात करते हैं कुछ ऐसी ही फिल्मों के बारे में। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे तो आप सभी को याद ही होगा, ये फिल्म शाहरुख खान और काजोल की मुख्य भूमिका वाली फिल्म थी और ये एक रोमांटिक फिल्म थी। ये फिल्म इतनी अच्छी थी कि आज भी लोग इसे देखना पसंद करते हैं। तानाजी द अनसंग वॉरियर, इस फिल्म में अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल नजर आए थे। फिल्म को 3D प्रभाव के साथ बनाई गई थी। आपको बता दें कि ये फिल्म काफी अच्छी रही और फिल्म एक ब्लॉकबस्टर भी बनी। हम आपके हैं कौन, ये फिल्म एक फैमिली लव स्टोरी फिल्म थी। इस फिल्म में सलमान खान और माधुरी दीक्षित को लोगों ने काफी पसंद किया था। बात करें सनी देओल की फिल्म गदर की तो आप उसे भूल ही नहीं सकते। गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल ने 2001 में ये फिल्म लेके आए थे। ये फिल्म सदाबहार फिल्मों में से एक है। धर्मवीर, मनु देसाई द्वारा निर्देशित फिल्म में एक्शन के साथ साथ दोस्ती को भी दिखाया गया। इसमें धर्मेंद्र और जितेंद्र की जोड़ी थी। ये फिल्म 1977 में रिलीज हुई थी। दीवार, 1975 में रिलीज हुई फिल्म अमिताभ बच्चन की थी। फिल्म एक क्राइम ड्रामा थी और इस फिल्म में शशि कपूर भी मुख्य भूमिका में दिखे थे। अगर हम बेस्ट फिल्मों की बात कर रहे हैं तो हम मुगले आजम को तो भूल ही नहीं सकते। बॉलीवुड के इतिहास की सबसे बड़ी फिल्म में से एक है मुगले आजम। दिलीप कुमार और मधुबाला द्वारा बनाई गई इस लव स्टोरी फिल्म को लोगों ने काफी पसंद किया था और हमें नहीं लगता कि ये फिल्म दोबारा बन पाएगी। इनसे जुड़ी और जानकारी के लिए आप हमारे साथ जरूर बने रहें और हमें कमेंट कर जरूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी मूवी ज्यादा पसंद है। थैंक यू सो मच।